जनवरी, लेकिन इसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस महीने में वो दादा रहबर मुर्शिदे कामिल आए जिन्होंने करोड़ों अरबों का घर सवार दिया,
भटकती हुई जीवात्माओं को सच्चा राह दिखाया, सच्चे रहबर दाता शास्त्र नाम जी। ये 25 जनवरी आज का दिन वो भाग्यशाली दिन है जिस दिन दादा रहबर ने अवतार धारण किया। तो आज शासक भंडारा बना रही है, रुकावटें रास्ते में आती रहती है, क्योंकि शेख फौरेजी जी ने भी लिखा था कि मैंने अपने पिया से मिलने जाना है, रूहानियत में पिया खसम यार गुरु साहबानों ने संतों ने पैगंबरों ने अपने गुरु या अल्लाह वाहिगुरु राम को कहा है कि मैंने जाना है अपने दादा से मिलने, लेकिन रास्ते में तंग जगह है, रास्ते बड़े टाइट हैं, तंग हैं, बरसात हो रही है, कीचड़ भरा हुआ है, सर्दी का मौसम है, ऊपर कंबल लपेटा है, अगर चलता हूं तो कंबल भीग जाएगा, गारा मिट्टी कीचड़ लग जाएगा, अगर नहीं जाता तो माली के प्यारे से जो प्यार लगाया है वो टूट जाएगा। ये सवाल जवाब अंदर चले तो शेख फरीद जी कहते, हम कहते हैं कि अल्लाह तो और में बरसा और कंबली तू बिल्कुल लथपथ हो जा, कीचड़ से चाहे दलदल बन जाए पर मैं अपने प्यारे को जाके मिलूंगा, क्योंकि मेरा प्यार नहीं टूटना चाहिए। कुछ ऐसा ही हाल इस घोर कलयुग में आप मालिक के प्यारों के साथ भी है। तरह तरह की दलदल, तरह तरह का कीचड़ रास्ता रोकता है। बताया गया है कि कुछ हो सकता है पहले से कोई जाम लगे हो, हरियाणा में काफी जाम लगे हुए हैं, और इससे सांसद दिल्ली से होकर राजस्थान जाती है या फिर पंजाब होकर बहुत लंबा रास्ता तय करके आ रही है। ये पंडाल 30-35 एकड़ का है और ऐसे 15 पंडाल जब शब्द शुरू हुए थे तो उस समय हमारे पास पर्ची आई थी कि वो बिल्कुल खचाखच भर चुके हैं, जिसमें टीवी लगे हैं, स्क्रीनें लगी हुई हैं, और फिर भी सरसा तक जाम लगा हुआ था तब शुरू शुरू में। तो अब सांसद की जैसे जैसे चर्चा आएगी तो आपको बताएंगे। तो सांसद के उत्साह में कमी नहीं है, क्योंकि जिसको सदगुरु मौला जिंदगी बख्श दे, नरक से स्वर्ग से बढ़ के नजारे दिखा दे, राह में कुछ भी आए ना वो रुके थे ना रुके हैं ना रुके, तो जो घर से चल पड़ा आ गया आ रहा है, बैठ गया बैठ रहा है, आसपास से दूर दराज से विदेशों से जो भी शासन आई है भंडारे पे पथा रही है, आप सबको सच्चे मुर्शिदे कामिल के पवित्र जन्म माह की अरबों खरबों बार बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद हो, और मालिक से दुआ करते हैं, आशीर्वाद आप सब के लिए मांगते हैं कि हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, काल चारों तरफ डरावने रूप बना बना के डरा रहा है, पर तेरा रहमो करम जीवों की लाज बचाता आया है, कई गुना बढ़ के बचाता रहा है और कई गुना बढ़ के अरबों खरबों गुना बढ़ के बचाता रहेगा, इन सब पे रहमो करम करना और ऐसे ही लाज बचाते रहे। तो ये सत्संग ये भंडारा शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो भजन है ये तो बेप्रवाजी का रहमो करम है कि बड़ा जल्दी में ये भजन अभी अभी शाम को तैयार हुआ है, वही गवाने वाले हैं, वही लिखाने वाले हैं, केवल लिखने की फुर्सत नहीं मिल पाई, इतना बिजी रहे इस बार, लेकिन बेपरवाह हैं, वो चाहे तो 5 मिनट में सब कुछ करवा ले, क्योंकि एक भजन नहीं होता, लगभग 11 भजन है, एक भजन में अलग अलग ट्यून से अलग अलग ताल अलग अलग
तो ये थोड़ा सा है प्रोग्राम, पर बेपरवाजी गवाने वाले हैं वही बजाने वाले हैं, आदमी तो आदमी है, वो तो तिनके से काम ले लेते हैं। तो उस सतगुरु मुर्शिद कामिल से गुजारिश है कि हे रहबर, खुशियों का आलम और खुशियों से झूम जाए ऐसा रहमो करम कर। और वो भजन है, ओ ओ आ गया छा गया शाह सतनाम जी प्यारा, नाचो सारे अरे झूमो सारे। तो सच्चे मुर्शिद कामिल का जन्म महीना, जन्मदिन, और इस जन्मदिन का वो गौरवशाली इतिहास जो किन अक्षरों में कहे, इंसानी फितरत में सोना और हीरे सबसे बड़े, लेकिन रूहानियत में तो ये पत्थर के मानित है। रूहानियत में तो अपने सदगुरु मौला की एक झलक और सारी त्रिलोकियों की दौलत एक तरफ। तो ऐसे मुर्शिदे कामिल, ऐसे सदगुरुदाता साईं बेपरवाह मर शास्त्र नाम जी इस संसार में चल के आए, जिन्होंने इतने भलाई के कार्य शुरू किए कि कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा जीवों पर परोपकार किया जो कल्पना नहीं की जा सकती। आज जिसे देखो स्वार्थ में बिकाऊ है, अपने गर्ज के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोग बिक रहे हैं, अपना दीन, अपना ईमान, अपना मजहब सब कुछ ताक पे रख देते हैं। अरे गरज के लिए गधे को बाप और बाप को गधा कहने में हिचकिचाते नहीं ये कलयुगी जी। ऐसे स्वार्थी युग में परमार्थ की अलौकिक मिसाल शास्त्र नाम जी दादा रहबर ने कायम की। बहुत बड़ा घराना, ऐसा घराना जिससे बहुत लोग पलते थे। समुंदर से नदियां निकलती हैं, नदियों से नाले निकलते हैं और नाले खेत को सींचा करते हैं। हम खुश होते हैं नहर में पानी है, लेकिन उस समुंदर, उस डैम को लोग भूल जाते हैं जो सारी नदियों को पानी देता है। तो ऐसा ही घराना जलालाना साहब में जेलदार पूजनीय अति पूजनीय पिता बरियाम सिंह जी का, यहां गरीब आता तो कुछ लेके जाता, संत पीर फकीर आता तो खाली पेट नहीं जाता, कोई दीन दुखी आता तो मरण के बिना नहीं लौटता, ऐसा खानदान। लेकिन जैसे इतना बड़ा खानदान होते हुए सब लोग जय जयकार करते थे, लेकिन एक चर्चा और भी करते थे, इतना बड़ा घराना है, सब कुछ दिया है मालिक ने, लेकिन इनके एक कमी है, इनके यहां औलाद नहीं है। आजकल तो रूहानी ज्ञान ज्यादा है, पर उस जमाने में लोग बे औलादों को अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन जब इतना धर्म कर्म वाला परिवार तो बुरा कोई कह नहीं पाता था, लेकिन दुआएं सब करते थे कि हे मालिक, इतना बड़ा घर हम सबको दान देता है, हम सबके घरों की मुझे चिराहों को रोशनी देता है, इस घर में भी तू रोशनी कर दे।
पूजनीय माता, अति पूजनीय पिता, दोनों साधु संतों की सेवा करते। मालिक संतों का भेष धार के आते हैं, ऐसे ही कोई आए, कहने लगे भक्तों आप उदास हैं, फिक्र ना करो, जिस औलाद के लिए आप तड़प रहे वो आएगी, लेकिन वो मालिक का नूर आएगा, वो रब्बी ज्योत होगी और 40 साल तक आपके पास रहेगा, फिर जिस काम के लिए आया है वो काम करेगा। क्या आपको ये मंजूर है? तो पूजनीय माता पिता ने कहा जी हां हमें यह मंजूर। तो विप्रवाज ने फिर अवतार लिया, वो फकीर फिर आया और उसने कहा भक्तों आपके घर रब्बी ज्योत आई, जितना प्यार करना है करो, पालन पोषण पूरा ढंग से करना, और रब्बी ज्योत आई है। ये सिर्फ हवा की बात नहीं, साइंस तर्क को मानती है, साक्ष्य को मानती है। तो वहां एक झीवर पानी भरा करता था, जलालड़ा साहब में पानी नहीं था, दूर दराज से पानी लेके आते थे, तो वो झीवर पानी भरने आया। पानी भरते भरते उसकी आंखें चुंधियाई, निगाह मारी, जेलदार के घर पालने में किनकारी, वो दौड़ के गया, बड़ा दौड़ के गया, लेकिन जैसे पास पहुंचा तो जड़वत हो गया, एक तक निगाह यहां दिया करता देख। परम पूजनीय माता जी जो काम धंधों में व्यस्त है उनकी भी निगाह में ये कौन है जो मेरे लाल को एक तक देखे जा रहा, ये कौन है, कहीं बुरी नीयत तो नहीं, कहीं बुरी नजर तो नहीं, कैसे बचाऊं लाल को, क्या करूं। मां का दिल, मां का दिल होता है चाहे रब्बी ज्योत हो या कोई आम बच्चा हो। पूजनीय माता जी दौड़ के आए और दूध देने के बहाने उस रब्बी ज्योत को, इस नन्हे से बालक को अपनी गोद में उठा लिया और घूम के जाने लगे, तो खिलखिलाती हंसी झीवर की कानों में पड़ी। माता जी ने पूछा क्यों भाई तू हंसा क्यों? कहते मां मैं इसलिए हंसा, मां चाहे बच्चे की हो या भगवान की, ममता तो ममता होती है, तूने क्या सोचा कि मैं इस बच्चे को नजर लगा दूंगा। आगे से माता जी ने कहा और फिर एक तक क्यों देख रहा था, लगातार क्यों निहार रहा था। तो उसने हाथ जोड़ के कहा माता जी मेरी बुरी नीयत नहीं थी, मैं इसलिए एक तक देख रहा था कि इस नन्हे से बालक ने मुझे अवतारों के दर्शन हो रहे थे, इनके पांव में पदम है। ये सुनके माता जी ने और छुपा दिया कि पता नहीं क्या बोले जा रहा है, भाई जैसे दूसरे बच्चे हैं वैसा मेरा बच्चा है। तो जीवर हंसता हुआ चला गया। तो वो साधु की कही गई बात, मालिक का कोई नूर आके संदेश देता है, कोई भक्त संदेश देता है, उस संदेश वहां के कहे गए वाक्य कि रब्बी ज्योत आई है, बिल्कुल प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ सामने आता है।
तो वो रब्बी जोत किलकारियां भरती, जब भी आवाज गूंजती सारे आंगन में खुशी छा जाती, सारे गांव में खुशी छा जाती, अजी सारे ब्रह्मांड में खुशी छा जाती। क्योंकि ये तो कोई मुरीद जानता है कि पीर मुर्शिद कामिल का नूरे जलवा कैसा होता है। आम इंसान सिर्फ यही सोचता है कि भाई कोई फकीर है, कोई बच्चा है, या यूं कि आज भजा पता नहीं क्या है कि ऐसी खुशी क्यों है। घर में कोई आता आते ही खुशी महसूस करता, नाम पहले ही जलाल आना, जलाल का आना, नूर का आना, तो पहले ही नाम पड़ गया। यही तो रब्बी जोत का कमाल होता। पूर्वजों को कोई पता तो नहीं था, शायद मालिका आभास था जिन्होंने नाम रखा जलाल आना। तो जलाल ने तो आना ही था, क्योंकि रूही तड़प रही थी, रूही व्याकुल थी, रूहें पुकार रही थी। और जब रूहें पुकारती हैं तो वो परमपिता परमात्मा अपना नूरी रूप जरूर भेजते हैं। तो ऐसे मुर्शिदे कामिल, ऐसे दाता रहबर शास्त्राम जी ने 25 जनवरी 1919 को अवतार लिया। तब से यह दिन, यह महीना, यह धरा हमारे लिए सजदे के काबिल बन गए। हम जलालाना साहब को सजदा करते हैं और उस हर जगह को और भी बढ़ चढ़ के सजदा करते हैं जहां मुर्शिदे काबिल के चरण कमल पड़े। और ये जगह का तो चप्पा चप्पा उनके चरण कमल की छो प्राप्त किए हुए है, तो यहां कोट अनकोट अरबों बार नमन करते हैं। सरसा वैसे दोनों आंखों के बीच की जगह को भी बोला जाता है, यहां से मालिक की प्राप्ति होती है। चाहे धर्म पढ़ के देख लीजिए, इस जगह को हिंदू सिख धर्म में क्या कहा जाता है, तिल, ज्ञान चक्षु, दसवां द्वार। ज्ञान चक्षु माने ज्ञान का तीसरा नेत्र, दसवां द्वार माने 10th door, 9 दरवाजे खुले हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां। 9 door, 9 दरवाजे खुले हैं, लेकिन यहां एक सूक्ष्म दरवाजा है जो बंद है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया का यहां लॉक लगा हुआ है, यहां ताला लगा हुआ है। तो उसको राम नाम से खोलो तो मालिक तक जाने का रास्ता मिलता है। इसको भी सरसा कहा जाता है। और हमें तो ये सरसा मिला, यहां मालिक खुद दर्श दीदार दे रहे हैं। और इस सरसे में आए तो ये सरसा भी खुल गया। अब इस सरसा को देखिए या इस सरसा को देखिए, दोनों में एक ही नूर घुल गया। ऐसा रहमो करम हुआ, ऐसे कुदरत के कादिर ने खेल खेला। हम कभी इस सरसा को सजदा करते हैं तो कभी इस सरसा को सजदा करते हैं, क्योंकि हमें तो कणकण में उनका नूर जलाल नजर आता है, उनका नशा है, उनकी लचक है, उनकी मस्ती है। लोगों को लगता है कोई और सुरूर है या कोई गरूर है, पर कुछ ना कुछ बात जरूर है।
क्योंकि हमें ना तो कोई और सुरूर है ना ही कोई गुरूर है, पर इस दिलो दिमाग में शास्त्र नाम जी रहते जरूर है। कोई गुरूर नहीं, मनोविज्ञान जिसने पढ़ी हो, क्योंकि विज्ञान में हमारी रुचि है, तो उसमें आधा है बोलने वाला जब तक दिखे ना, सुनने वाले बैठते नहीं, इसलिए ऊंचे मंच बनाए जाते हैं और इसलिए ऊंचे मंच पे हम बैठे हैं। दूसरी एक और वजह है, इस घोर कलयुग में यहां काल ने जीवों को खासकर के सत्संगियों को रोकने के लिए तरह तरह के जाल बुन रखे हैं कि सत्संग में ना आए, राम ना जपे, अल्लाह वाहिगुरु गौर को याद ना करें। फिर भी आप लोग चल के आते हैं और धर्मों में लिखा है कलयुग में जो सत्संग में चल के आएंगे वो कोई देवी देवताओं से कम नहीं होंगे, क्योंकि वहां भगवान का वास होता है। तो आप सबके दर्शन हो इसलिए भी ऊंचे बैठते हैं। रही बात कपड़े ऐसे क्यों पहने हैं, ये भी हमने नहीं बनाए, आप में से किसी ने बनाए होंगे, हमें दे गए पहन लेना, पहन लिए और फिर किसी खास सेवादार जो सेवा करता है उसकी हाथ में सौंप देते हैं, और ये भी आपकी खुशी के लिए, क्योंकि हर मुरीद चाहता है कि उसका पीर फकीर ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या। कलयुग है, जैसा काल का जौवन है वैसा फकीर भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ये बात हम नहीं, बेपरवाह साई मस्ताना जी महाराज ने 1958 में साफ कह दी थी कि भाई ऐसा टाइम आएगा, अब तो हम पेवंद लगा कपड़ा पहनते हैं, कपड़े बदल बदल के पहना करेंगे। तो हमारी क्या हाजत, वो तो उनके वचन है, वो सब कुछ करवाते हैं, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, सिर्फ आवाज देते हैं, करता तो मेरा मौला दाता रहबर सुरूर उस मुर्शिदे कामिल के प्यार का हो, नशा उसकी मस्ती का, तो कहना क्या, क्योंकि दोनों जहां एक जहां बन जाते हैं, आत्मा यहां रहती है, दोनों जहां वहां चले जाते हैं, जो आत्मा अपने सतगुरु के प्यार मोहब्बत की मस्ती में लबरेज हो जाती है, ऐसी मस्ती